हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि सीवी आरयू में बीआर के लिए एडमिशन शुरू हुई, एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ से फिल कर सकते हैं, कैसे फिल कर सकते हैं, क्या सारी प्रोसेस है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करनी होगी, देन आपको वहाँ पर टाइप करके सर्च करनी होगी, फिर आपको गूगल सर्च कर देनी होगी। जो मैंने टाइप किया एग्जैक्टली वही टाइप कीजिएगा। एडमिशन लेने के लिए आपको सारी प्रोसेस को करनी होगी और आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर देनी है, और जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो न्यू टैब में ओपन होते हैं, राइट। तो CVRU में बिहार एडमिशन है, तो एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं तो आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पर कि न्यू टैब में ओपन हो गए, आप अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रोल डाउन करना होगा फिर से, और यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जस्ट दिखा देता हूँ, अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी है, क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जब भी मैं यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करता तो यहाँ पर KK यूनिवर्सिटी देखने को मिलता है, जहाँ पर मुझे फिल करना होता है। मेरा फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेरा क्या है, जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पर मैं फिल करूँगा। तो बस ओके, एंटर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सेलेक्ट सीजन, फैकल्टी, कॉलेज, जो भी आप यहाँ पर चाहते हो सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा कोर्स भी चाहते हो वो भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट करना होता है और सबमिट करना होता है। ओके, फिर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्या है, ठीक है, दोनों चीज़ें देखने को मिल जाता है। और उसके बाद आप इस पेज पर आते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं वहाँ से, तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ से कंप्लीट हो गई। तो जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बताई जाती है, सीजन बताई जाती है, सब कुछ यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो फादर नेम यहाँ पर आप फिल करेंगे, मदर नेम, बाकी यहाँ पर नेशनलिटी, बाकी नेशनलिटी बता दीजिएगा। आप जेंडर सेलेक्ट कर ले सकते हैं यहाँ पर, अपना फादर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस देना होता है। एड्रेस तो सिंपल फिल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी बतानी होती है, कौन सी कैटेगरी आपकी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस, रिलेटेड डिटेल्स, एग्जामिनेशन पास हुए या फिर क्या हुआ, स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, ईयर, परसेंटेज, डिवीज़न कौन सा था, सब्जेक्ट कौन सा था, और एक्शन यहाँ पर इंसर्ट करना होता है। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देनी होती है, जहाँ पर आपने स्टार्ट रजिस्ट्रेशन से यहाँ पर क्या, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर का बता सकते हैं, पोजीशन हेल्ड बताना, नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीरियडिक फॉर्म, पीरियडिक कब से कब तक आपने किया और कितना आपको मिलता था सैलरी, फिर आपको एक्शन में इंसर्ट बोलना होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है और यहाँ पर सबमिट करना होता है, राइट। तो आपको सबमिट यहाँ से स्टार्ट कर देना होता है। तो जब भी आप ये करते हैं फिर आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। फिर आपको दिखा देगा फोटो अपलोड करना, यहाँ पर सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पर अपलोड करनी होती है आपकी फ़ोटो, जिसकी साइज़ होगी यहाँ पर देख सकते हैं, पिक्सल इतना चाहिए, इतनी हाइट चाहिए, सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और आपकी जो वो होगी ना साइज़, फ़ोटो की साइज़, मतलब वो साइज़ होती है ना 200 KB, 1 KB, 1 MB जो भी है, तो यहाँ पर KB में चाहिए। 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही चाहिए, बस 200 KB से कम चाहिए बस। तो यहाँ पर आपके फ़ोटो सेलेक्ट करने हैं और सबमिट कर देने हैं। तो ये जब करते हैं तो आप पेमेंट डिटेल की तरफ आते हैं, जहाँ पर आपको पेमेंट ऑनलाइन करना है, ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह सब बैंक डिटेल दे करके 500 रुपये, यहाँ पर 500 रुपीज़ अमाउंट है, ये कंफर्म करके आपको पेमेंट करना है, ठीक है। फिर आपका अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से कम्प्लीट होता है और आपका आगे का प्रोसेस भी कम्प्लीट होता है। तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वही क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे कुछ वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you so much.